ये कैंडल मार्च एंड ऑल इन सब से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि कभी भी कोई रेप होता है वो थोड़े टाइम तक एक्शंस लेते हैं, फिर वही का वही दो तीन महीने या मैक्स टू मैक्स हफ्ते, उसके बाद किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके ऊपर क्या बीती, उसके घर वालों के ऊपर क्या बीती, कुछ भी नहीं। वेलकम टू ज़रेनियम गाइस, योर ऑनलाइन म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट चैनल। मैं हूं जशांत मलिक और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी पब्लिक रिएक्शन सीरीज में, जिसका नाम है पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। सो गाइज, आज हम बात करेंगे अबाउट समथिंग रियली सीरियस हैपनिंग आवर कंट्री। इट्स अ शेम फॉर ऑल ऑफ अस, एक 8 साल की लड़की का रेप हुआ है। सो वी गोना टॉक अबाउट जस्टिस फॉर आसिफा। सो लोगों से बात करते हैं अबाउट दिस, लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू रिएक्ट टू दिस केस की 8 साल की लड़की का रेप हो रहा है और चार पाँच लोग इन्वॉल्व हैं, और ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो पावर में हैं। हाउ यू रिएक्ट टू दिस? सी, दिस इज अ शेम टू आर नेशन एंड आई स्ट्रांगली फील दैट दिस काइंड ऑफ थिंग्स इट शुड नॉट बी पॉलिटिसाइज्ड। के भारतीय संस्कृति के अनुसार जहाँ पर यत्र नारिस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की परम्परा है, वहाँ पर आज ये चीज़ें हो रही हैं और इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ इतना कृतघ्न अपराध किया जा रहा है, और उन लोगों के द्वारा जिन लोगों के पास सत्ता है। पीएम हर चीज़ के लिए स्टेप लेते हैं उन्होंने, इवन डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी वगैरह वगैरह, इसके लिए कोई अभी तक वो नहीं है, मतलब वो खुले ऐसे ही घूम रहे हैं। मतलब जिन्होंने लाइक किया, जो लोग जिन लोगों को बचाना चाहिए ये सब होने से, वही उसे डिफेंड करें जिसने ये किया। रिएक्शन तो यही आ रहा है कि भाई ऐसे लोगों को तो मार ही देना चाहिए। कि 8 साल की लड़की के पास ऐसा क्या है कि उसके साथ 8-8 दिन तक रेप हो रहा है? तो बेसिकली लाइक आई एम नॉट सपोर्टिंग कि बड़ी लड़कियों का रेप करो, बट ये किसी को राइट नहीं है कि आप किसी के कपड़ों पे भी कमेंट कर सकते हो, या यू कैन कॉल एनी गर्ल एनी थिंग, या आप उनका रेप कर सकते हो। रेपिस्ट का कोई धर्म नहीं होता। सही बात, सही बात। वो कोई हिंदू नहीं होता, कोई क्रिश्चियन नहीं होता, कोई मुस्लिम नहीं होता, वो बुरा इंसान है। इंसान अच्छा बुरा होता है, वो बुरा इंसान है। जो वकील है उनके लिए, उसके ऊपर भी मारपीट के दबाव बनाकर उसका केस छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है, क्यों कहीं ना कहीं हम इसको पावर का मिसयूज कह सकते हैं। क्योंकि 8 साल की लड़की के साथ रेप करना, मतलब अब डायपर में भी बच्चा सेफ नहीं है। अराउंड 86 उसके घाव है उसकी बॉडी के ऊपर, और मतलब उसका जो रेप किया गया है, मतलब कि बहुत ही शर्मिंदा चीज़ थी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे कंट्री जो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है, उसमें से ये इतना जहलीन हरकत, आई वुड से आई स्ट्रांगली अगेंस्ट इट। दंगे होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, सेल्फी खींचती है, हैशटैग लगते हैं, पर गलत, ये गलती कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, व्हाट्स द मेन प्रॉब्लम, ये क्यों हो रहा है अभी तक? अगर पेरेंट्स की बात करें, जो भी पेरेंट्स हैं वो जितना कंट्रोल गर्ल्स पे कर रहे हैं उसका डबल उन्हें बॉयज पे करना चाहिए। Anyone who dare to do such things will have to face the harsh consequences. हम समाज की ऐसी दृष्टि है कि जब तक अपने साथ ना हो जाए हम उस चीज को नहीं समझ पाते हैं। जब तक खुद पे नहीं बीतती, हम घरों से निकलना ही नहीं चाहते। जब होता है टैग्स वैग्स डाल देते हैं, लाइक कि ये हुआ, शांत रह जाते हैं। उनके लिए थोड़ा बहुत कैंपेन एंड ऑल होता है, मार्च वार्च होता है, फिर वो रुक जाता है। जब तक उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है तो ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है। अच्छा डीपी लगा लो, पोस्ट डाल दो, वो सब कर दो, हाँ चलो शो ऑफ करते हैं हम कि हमारा स्टेटस बन गया, वो सब। एक्चुअली इट्स जस्ट शो ऑफ। कैंडल मार्च निकालना एंड ये सब प्रोटेस्ट करना इज रियली स्टूपिड, एंड शेयरिंग इट ऑन सोशल मीडिया डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। कई जगह पर लड़कियों को ये देखते हैं कि नहीं यार तुम्हें ये कपड़े पहनने चाहिए, नहीं यार तुम्हें यहाँ नहीं जाना चाहिए। जब तक उन्हें कुछ खुला, मतलब उन्हें कमज़ोर क्यों समझते हैं? जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक गवर्नमेंट भी कुछ नहीं उखाड़ सकती। रेप से, रेप केसेस से, जिस तरह उनकी सुनवाई हो रही है, जिस तरह विक्टिम को ही क्या नाम है कटघरे में खड़ा किया जाता है, दिस इज द थिंग विच इज द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक थिंग, जो सिस्टमिक प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग टू व्हाट शुड बी द पनिशमेंट? ऐसा दंड मिलना चाहिए जिससे कि समाज में भी भय पैदा हो, जैसे कि चौराहे पर उसे लटका दिया जाए और तब उसके साथ कुछ ऐसा किया जाए, उसे गोली मारी जाए। हाँ बिल्कुल, जिससे कि लोगों में भी एक दहशत फैले। यस, आई मीन दे शुड बी हैंग टू डेथ, या तो फांसी या फिर और गंदी कुछ। कल्प्रेट्स शुड बी हैंड ओवर टू द पब्लिक। इसके लिए इतनी पनिशमेंट, इतनी मतलब कोई देखने से डरे,
कि मैंने हाथ भी दे दिया और ऐसा केस भी हो गया, पॉलिश का भी केस हो गया, एटलीस्ट पनिशमेंट इतनी तगड़ी होती है। फॉर दिस आई श्योरली सपोर्ट कैपिटल पनिशमेंट फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल। इसके लिए तो डायरेक्ट हैंग ही करना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा, सजा की डेफिनेशन तो हम नहीं देना चाहेंगे, पर हम ये कहना चाहेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए सजा है ना, वो बिल्कुल फास्ट ट्रैक से आनी चाहिए। कैपिटल पनिशमेंट, वी वांट जस्टिस। यस, जस्टिस फॉर आसिफा। जस्टिस फॉर आसिफा। जस्टिस फॉर आसिफा। Justice for Asifa. Justice for Asifa. Justice for Asifa. Justice for Asifa. Yeah. What I would say, guys, rape is a very heinous crime, and it's not about one Asifa. हमारे देश में ऐसी बहुत आसिफा हैं जिनकी खबर हम तक नहीं पहुंचती. As a society, there should be strong law enforcement, fast track judgment, and as a society, हमें अपना mindset change करना होगा. Whatever you feel about this video, please comment down below. Video पसंद आए तो like करो, share करो, and subscribe to Zehrenium. और आप हमारा पीछा कर सकते हो Facebook पे, Instagram पे, Twitter पे, with the same name Zehrenium. Link आपको दिख रहे होंगे. Thank you.